वो जेंट्स लोग हमला किए लेडीज पे, जान नहीं मानना चाहिए, तहां तहां मारे हैं वो पूरा। इस कमर दर्द पर काला काला पड़ गया, हाथ पर गया काला काला, अभी हल्दी लगा। पुलिस तो खुद दुनिया का रक्षा कर रही है तो पुलिस क्यों छीनेगा। हाँ यही बात है, अब कोई दूसरा हो पुलिस के ड्रेस में पुलिस को बदनाम करने के लिए तो हम तो समझेंगे ना गवार आदमी की पुलिस ही है, ये तो नहीं जाना कि हम आम आदमी हैं या पुलिस है। गुंडागर्दी करने वाले लोगों में और पुलिस वालों में यहाँ पर थोड़ा भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो टीवी था वो भी बुरी तरह तोड़ दिया गया है, गाड़ी था वो भी यहाँ पर थोड़ा दिखाओ बाबू, ये पूरा तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर जितना भी सामान जो भी मिला, आदमी हो या सामान हो, जो भी मिला सामने आया सब तोड़ते गए। पुलिस को तो सरकार हेल्प कर रही है, हमारी कौन हेल्प कर रही है सर। हमको समय पर इस समय कमाते हैं तो शाम को खाने को मिलता है सर, हमारा कौन हेल्प कर। वो लोग तो आया मारना शुरू कर दिए, बोलने का भी मौका नहीं दिया। जब हम सामने वाला गलती कर रहा है तो फिर हम भी गलती, फिर उसमें हमारे में क्या फर्क है। आगे से शीशा वगैरह सब तोड़ दिया गया है, यही सब पुलिस समाज का सेवक का ये सब। अरे आते कादे में से पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये सब करने का क्या। दरवाजा तोड़ रहे थे तो हम लोग खोल दिए, तो हम लोग कितना मार मारे हैं, सारा काला हो गया हमारा देह। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAVPG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस समय हम लोग सिवान जिले के मैरवा थाने के चुपचुपुआ गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पर बीती रात 5 थाने की पुलिस आई थी अपने फोर्स के साथ और घर वालों को यहां पर बेरहमी से पीट कर और कुछ लोगों को पकड़कर चली गई है। कल शाम को शायद यहां से कुछ लोग इस गांव से गए थे और थाने पर पूरा जमकर पथराव किए थे, उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची थी। अब ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर में इस गांव के लड़के पूरा दल बल के साथ लाठी डंडों के साथ थाने पर करने क्या गए थे। सर एक मोबाइल के लिए हुआ था, आई डोंट नो कि वहां पे क्या हुआ क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता था, हमारे घर से भी कोई नहीं था। अच्छा ये पथराव करने वाला थाने पर कौन था, जिनका मोबाइल गया था। कौन था वो घर का, वो बिट्टू नाम है, नरेश नाम है और गणेश नाम है, उन लोग माने सब लोग गए थे। हाँ उन्हीं का मोबाइल गया था, वो लोग गए थे और लोग पथराव क्यों किए थाने पर, और मोबाइल के लिए क्या हुआ कि हमारा मोबाइल पुलिस लोग चुरा के लेके चले आए हैं। कहाँ से चुरा? ये यहाँ पे लड़कन सब दुकान फ्री फायर खेलते हैं वही सब। हाँ इसलिए वो लोग गए थे, अब जो भी लेके जाए, पत्थर लेके जाए, डंडा लेके जाए, जो लेके गए। अब यहाँ पर हमारे परिवार में कोई नहीं गया था, हमारे परिवार में कोई है ही नहीं तो जाएगा कहाँ से, एक छोटा सा बस लड़का है। हाँ और वो हमारे ससुर जी हैं, वो चलते भी नहीं है, वो सिर्फ चौकी पे रहते हैं। हाँ और हमारे सब परिवार है और आए घुस के मारने लगे पीटने लगे, ये कोई तरीका है। अब यहाँ पर गांव वालों का आरोप है पुलिस बल पे कि पुलिस बल कुछ लड़कों का मोबाइल छीन कर लेकर चली गई, उसके बाद गुटबंदी करके इस गांव के लोग गए थाने पर पथराव करने लगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन 5 थानों की यहां पर आई रात में, पूरा सामान को बिखेरी है और जो जो मिला है सबको पीटते चली गई है लाइन से। आपके घर भी जी का भाई रो गए भाई रो गए कि वो जो लड़का फ्री फायर खेलते रहे लो आवे लो पैकेट वोकेट चेक कर रहे लो धरा धरी कह के मोबाइल दुगो छीन लीवे लो आ रोज के रोज वो मोड़ पर मान चोरी चमारी होता है। लोग बर्थडे मनावे खातिर रात खान जाता है, वो पैसा छीन लेता लो, गाड़ी घोड़ा छीन बगली में हाथ डाले लगाता लो, जे खेलता ओकर छीन लेता लो। के छीनता रो थाना वाला लोग पुलिस छीनता, पुलिस छीन लेता। हाँ पुलिस छीना है तभी तो लड़का लोग मार करने लगे। पुलिस का अधिकारी नहीं है कि सामान छीन के वो अपने थाने पे लेके जाएगा, पुलिस ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस को इच्छा नहीं दी गई है कि किसी का भी सामान छीन के तुम अपने जेब में रख लेना। पुलिस तो खुद दुनिया का रक्षा कर रही है तो पुलिस क्यों छीनेगा। हाँ यही बात है, अब कोई दूसरा हो पुलिस के ड्रेस में पुलिस को बदनाम करने के लिए तो हम तो समझेंगे ना गवार आदमी की पुलिस ही है, ये तो नहीं जाना कि हम आम आदमी है या पुलिस है। अच्छा मारने वालों में आपके भी घर के लोग थे? नहीं हमारे घर का लोग नहीं है। थाने पर जाने वाले? नहीं हमारे घर का लोग नहीं है। हमारा दरवाजा तोड़ा गया, डायरेक्ट तोड़ा गया और अंदर कोई भी ये भी नहीं पूछा गया कि अंदर कौन है कौन नहीं है, डायरेक्ट लाठी चार्ज किया गया हम पे, बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। और लेडीज को रहते हुए जेंट्स पे जेंट्स लोग हमला किए लेडीज पे, जान नहीं मानना चाहिए, तहां तहां मारे हैं वो लोग। लेडीज थी साथ में लेकिन लेडीज भी कुछ नहीं कर रही थी, लेडीज हम लोग को अंदर कर रही थी बट वो लोग लेडीज के रहते हुए जेंट्स पे हमला कर रहे थे। सर ऐसी कौन सी इतनी जरूरी थी कि एक रात में लेडीज पे हमला हुआ? कितने बजे आए थे? 11 बजे करीब, 11 की संख्या में संख्या शायद 50 या 60 के लगभग थी इन लोग की फोर्स।
अच्छा, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए अगर वहाँ पर कोई और होगा पुलिस ड्रेस में, आप लोग का मोबाइल छीना होगा आपके घर के बच्चों का, तो पहले पता करना चाहिए, उसके बाद थाने पर पथराव करना चाहिए, तो कानूनन अपराध है। को पूछना भी चाहिए था कि कौन है, वहाँ से चालू हुआ, वहाँ से हमारा मतलब हमारा पटीदार है सब, वहाँ से चालू हुआ, वहाँ से उस घर में तो कोई अभी एक छोटा बच्चा भी जेंट्स में नहीं रह रहा, उस घर में दो लड़की के ऊपर हमला हुआ, जबकि वो लड़की बोल रही थी हमारे घर में कोई नहीं है कोई नहीं है, जबकि घर तोड़ा गया, हमारा सामान जितना था जितना था उस पे सब लाठी चार्ज किया लो फेंका इधर उधर, गाड़ी ओड़ी था जो भी उन लोगों को सामने आया वो तोड़ा, जैसे कि कोई पत्थर पे मार रहा है वैसे मार रहा था लो। मैं खुद एक जनरल कंपटीशन की तैयार सर, उतना मुझे भी तो नॉलेज है, ऐसे कोई नहीं ना कर रहा है तैयारी, ऐसे घूमने तो नहीं जाती हूँ मैं, उन लोगों को कम से कम पूछना चाहिए था कि कौन है कौन नहीं है। सर मानती हूँ कि ये लोग भी गलती किए हैं, लेकिन गलती का मतलब ये नहीं जब हम सामने वाला गलती कर रहा है तो फिर हम भी गलती, फिर उसमें हमारे में क्या फर्क रह जाएगा, कुछ भी तो नहीं ना। वो लोग पुलिस है, उनका अधिकार है पूछना, उनका अधिकार है हम आम जनता की सुरक्षा करना, ये नहीं कि उनका पुलिस है तो उसका गलत फायदा उठाएंगे। सर यही हूँ हमारे, मेरा 21 है सर, यहाँ पर 21 उम्र है, और यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर ये लोग गलती कर किए हैं तो पुलिस वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं नेत्रहीन व्यक्ति को भी यहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा बेरहमी से पीटा गया। हमारे दादाजी जो देवरिया से आए थे तुरंत आए थे, वो लंगड़े थे, बोल रहे थे अपना रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, फिर भी उनपे मारा गया, उनके पैर पे भी, फिर उनको लेके चला गया। सर वो क्या किए थे, वो तो सिर्फ आए थे दवा करा के, उनको कुछ पता भी नहीं था, क्लियर कुछ पता भी नहीं था कि वहाँ पे क्या चल रहा था, वो चल के उतना दूर जा भी नहीं सकते। सर मान लीजिए अगर सपोर्ट डेट हम लोग कुछ किए भी होते तो यहाँ पे सोते हम लोग, निफिक्र होके हम लोग सोते कि हम लोग डर के मारे कहीं और इधर उधर जाते, जो जिसके घर क्या किया है उसके घर में इतना सा भी खरोच नहीं आया है, जो आया है सर समान ओपन सपोर्ट डेट, मुझे नहीं पता कि किस पे आया, लेकिन आदमी पे कुछ नहीं आया, जो नहीं किया उसका हाल देखिए सर, मेरा भी हाथ में पूरा फट उठ गया था, पूरा देखिए ब्लैक ब्लैक हो गया। अब यहाँ पर आंटी थी उनको कम से कम 10 रूलर मारा गया, बताइए एक एक औरत को 10 रूलर मारने पर कैसी कैसी जगह होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं घर में घुसकर बेरहमी से औरतों को पीटा, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, लग रहा है हमारे देश में, देश के सिवान जिले में, बिहार के राज्य के सिवान जिले में इस समय संविधान नहीं है। अगर ये लोग गलत थे तो उसके बाद पुलिस वाले भी आकर ऐसे ही किए, संविधान के तहत आते, FIR करते, उठा कर ले जाते, लेकिन घर में घुसकर बेरहमी से औरतों को मारना, ये कहां तक सही है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या किया आपके साथ? सर हमारे साथ बहुत कुल गलत किए हैं लोग, लोग मारे हैं हम लोग, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग घर में एक औरत हम लोग क्या जानेंगे, आप ही बताइए, बाहर हम लोग रहते तभी कुछ जानते हैं हम लोग, तो बाहर तो है हम लोग नहीं, हमारे हस्बैंड नहीं है, सब लोग बाहर रहते हैं लोग, हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे ससुर हैं, हमारी बड़ी जेठानी है, सब लोग घर में सोए थे, हम लोग यहाँ पे सास ससुर हमारे सोए थे, बच्चों को लेकर सोए थे, दरवाजा पीट रहे थे, ऐसे लग रहा है कुछ हम चोरी करके बैठे है घर में। यही बताइए, उन लोग को दरवाजा खुलवा कर पूछ लेना चाहिए पहले हम लोग से, तो कुछ पूछे हटलाई नहीं, हम लोग जब दरवाजा तोड़ रहे थे तो हम लोग खोल दिए तो हम लोग इतना मार मारे हैं, सारा काला हो गया हमारा देह, पूछ लेना चाहिए हम लोग से, बहुत मारे हैं, और लेडीज भी थी, लेडीज नहीं छुई हम लोग को, नहीं पूरा कमर दहेज पूरा काला काला पड़ गया, हाथ पे पड़ गया काला काला, अभी हल्दी लगाए हैं हम सब लोग, दरवाजा बंद करके छत पर सोए थे, और इन लोग सर लोग इधर से आए और न किसी से पूछे न जाने, हम लोग क्या जानते थे, हम तो छत पे थे, आके इस दरवाजा के तोड़े, तो लोहा की दरवाजा थी, टूट भी नहीं रहा था, फिर भी छत से चढ़ गए, उस पर लकड़ी की दरवाजा थी वो तोड़ दिए लोग, तोड़ के घर में चले आए, ये सब सामान देखिए पूरा, ये सामान जितना भी चीज है, गाड़ी पंखा टीवी बाजा छत पर फ्रिज था, सब ने तोड़ के बर्बाद कर दिया, क्यों सर हम लोग क्या कर रहे थे उन लोग को। अब यहाँ पर देख सकते हैं गुंडागर्दी करने वाले लोगों में और पुलिस वालों में यहाँ पर थोड़ा भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो टीवी था वो भी बुरी तरह तोड़ दिया गया है, गाड़ी था वो भी यहाँ पर थोड़ा दिखाओ बाबू, ये पूरा तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर जितना भी सामान जो भी मिला, आदमी हो या सामान हो, जो भी मिला सामने आया सब तोड़ते गए, मोबाइल पटक कर बेरहमी से तोड़ दिया गया, थोड़ी गई है कि थोड़ा भी खुल भी नहीं सकेगा मोबाइल को, मेरे घर में जितना भी राशन पता ही है, कागज पत्र है, सबने सर लोग फेंक दिया, कागज पत्र सर को क्या भीड़ मांगे थे। अच्छा बाबू तुम्हें मालूम है ईंट पत्थर फेंकने वाला थाने पर कौन था? ईंट पत्थर फेंकने वाला थाने पर वही था जिसको मोबाइल रास्ते से गुम हुई थी, और वो सर आकर हमें पूछता भी
कि कौन मारे थे चाहे थाने पर गए थे, बाबू उसका घर बताओ, नाम बताओ। हम नहीं बताते तब ना हमको परिवार पर वो हमला करते हैं, ना पूछे ना चाहे। ऐसे ही घर में ढुक कर ऊपर के भी दरवाजे तोड़ दिया, मेरे चूल तोड़ दिया, तेल तासन फेंक दिया, चौर भी फेंक दिया। घर में चल के देखिए सब पेटी बाकस क्या कर रखे थे। और हम लोग माई बेटी डर के मारे क्या करेंगे जब डंटे भी चला रहे हैं सर। तो हम कहे कि ठीक हम मत मारी लो ज्यादा क्यों हमारा घर में क्यों गोल नहीं खेल इतना बात हो लेडीज दो डंडा गिराई है पर थोड़ा लगा नहीं है तो माना कर दिए लोग कि हम लोग नहीं थे। हम लोग हाथ जोड़ लिए थे कि हम लोग नहीं थे, हम लोग को हमला मत करिए। घर में जाके देख लीजिए कि हम आदमी छुपा होगा तो निकाल के ले जाइए चाहे कुछ भी करिए। तो घर में गए केवाड़ी तूरे छत पे गए शीशा वीशा फोड़ उड़ के सब गए दो तीन बार आए गए तो हम लोग रुके ही नहीं। जब हम गलती किए ही नहीं तो कोई मेरे घर पे है ही नहीं गया है। देख सकते हैं पूरा सामान यहाँ पर भी बिखरा हुआ है, यहाँ पर भी तोड़ फोड़ किया गया है पूरा, आगे से शीशा वगैरह सब तोड़ दिया गया है। ये सब अरे आते कादे में से पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो ये सब करने का क्या जरूरत है? जो गलती होता हम लोग खुद कहते कि हाँ यहाँ का लोग तो गलती है, गलती हुआ है, लेकिन वो लोग तो आए मारना शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिए, बोलने का भी मौका नहीं दिए। ज्यादा ही नरेश का लड़का सब किए हैं, बिटू पीयूष मंटू तीन लड़का है उसका। वो लोग कहीं भी मार में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। उन लोग का गार्जियन का क्या नाम था पता? नरेश, नरेश के लड़के। हाँ वो लोग किए थे, वो लोग अपना दोस्त इकट्ठा किए थे। हाँ। लेकिन जो अटैक किए हैं थाने पर तो भारी संख्या में लोग। हाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, सब लोग गए टोले के लोग सर। हम लड़का फेंका साथ दोस्ती में लिया चल गए सर। हमारे लड़का गोल बन घर बार लंगर बन बारन दुकान बारन तो बारन घर बन चोर चोर हल्ला होवे तो चल गो हमर बाबू। माने हम बहुत अच्छे हैं पर वो लड़का गई हमारे लड़का नहीं खेलो हमारे एगो बारन तो सूत गई रहो सर देख सकते हैं सामने जो घर है उनके साथ पुलिस का झगड़ा हुआ था। और उसके बाद पुलिस वाले आए तो अगल बगल में जितने भी घर है सबके साथ सर जिस इसमें जो बेगुनाह है जो नहीं है सबको मारा गया है। जो है उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है सर। हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। इसका मतलब पुलिस वाले सही से पता नहीं किए कि इसमें कौन कौन शामिल है, आए जो भी मिला उसको मारते चले। हैं कि सर ये लोग गलती किया है तो उन लोग को जाके पीटे मारे कुछ भी सपोर्ट कुछ भी करे, लेकिन हमारे घर में कोई गलती नहीं किया है तो हम लोग के इंसाफ से ही। अच्छा पुलिस वाले अगर रात में आए होते आप लोग से पूछे होते और आगे आ जाओ बाबू इतना दूर का कर रहे। पुलिस वाले अगर यहाँ पर आए होते आप लोग से पूछे होते कि कौन कौन गया था थाने पर पथराव करने आप लोग बता दिए होते? हाँ सर बता दिए होते। अगर पूछा गया होता हमसे तो हम खुद बताए होते सर। कोई और बताए या ना बताए मैं खुद उसकी तैयारी कर रही हूँ तो मैं खुद बताती। वो सब मौका मिला ही नहीं? नहीं वो सब बोलने का तो मौका मिला ही नहीं सर। हम पे मारा गया तो मैं खुद बोली थी कि एक लेडीज के रहते हुए एक लेडीज पे हाथ उठा रहे जेंट्स होके मैं कम्प्लेन करूंगी तो फिर हमको मारा गया सर। फिर हमको मारा गया, बोलने का मौका भी नहीं दिया हमको, बोलने का मौका भी नहीं मिला। अब चलिए यहाँ पर इन लोगों का जो मोबाइल छीना वो पुलिस वाले थे या कौन थे? दरवाजा तोड़ा गया, इधर से एक खिड़की तोड़ा गया, वहां से मेरे दादाजी को उठा के लेके गया क्या, क्योंकि वो चल भी नहीं सकते। उस इंसान को उठा के वो रिपोर्ट दिखा रहा है, धनाधन उस पे लाठी चार्ज हो रही थी और पुलिस उनकी एक भी नहीं सुनी। वो रो रहे थे फिर भी उनकी एक भी नहीं सर। उनको इस समय उनको कुछ हो जाता है इनको कुछ हो जाता क्या? पुलिस को तो सरकार हेल्प कर रही है, हमारी कौन हेल्प कर गया सर? हमको समय पर इस समय कमाते हैं तो शाम को खाने को मिलता है सर, हमारा कौन हेल्प करता? कोई हेल्प करता? नहीं, जो सरकार पुलिस को मदद करती है उसी सरकार को तो आप लोग बनाते हैं सर। हमारे वजह से ना वो लोग बना है तो सर वो आम जनता पे ऐसे बिन पूछे बिन जाने बिन कुछ सुने हमला करेगा तो सर बताइए उसमें और हमारे में क्या फर्क रह जाए? अब यहाँ पर देख सकते हैं अब जिसका मोबाइल छीना गया था पुलिस वालों के द्वारा, अब वो ओरिजिनल पुलिस थे या नकली थे किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इन लोगों को संदेह हुआ है कि मैरवा थाने की पुलिस था, ये लोग दल बल के साथ गए, अपने गांव के भी लोगों को दोस्तों को इकट्ठा किए, शायद कैथोलिक गांव के भी लोग यहां पर आए हुए थे थाने पर। सर
अटैक करने के, चुपचुपुआ के भी बच्चे थे और जाकर थाने पर पूरा पथराव किए। उसके बाद उसके बदला लेने के लिए पुलिस वाले 11 बजे रात में आए हैं, कई थानों के पुलिस भारी दल बल के साथ। और उसके बाद रास्ते में जो भी मिला है, सामान हो या आदमी हो या लेडीज हो, कोई भी हो, सबको पीटते चला गया है, सामान को तोड़ते चले गए हैं। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से, धन्यवाद। अब खुल गया सिवान शहर में नीलकमल फर्नीचर का शोरूम। एलजी शोरूम के ठीक ऊपर हर खरीद पर पाएं विशेष छूट के साथ आकर्षक उपहार। विवाह पैकेज 89,990 से शुरू, गृहस्थी पैकेज अब मात्र 1,01,000 रुपए से शुरू। डाइनिंग टेबल सेट पर आकर्षक उपहार, सोफा सेट पर विशेष छूट के साथ में आकर्षक उपहार। पता नीलकमल फर्नीचर एलजी शॉप के ऊपर पुरानी किला मोड़ के पास सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें।